अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बैठी बैठी मैंने सोचा आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं उठ के आ गया। मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ कि जो मेरे साथ एक हुआ है, मेहंदी से मेरे जो रिएक्शन हुआ है, मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँ कि ये देखें मेरे हाथों पर जो मेहंदी के साथ रिएक्शन हुआ था ना, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेहंदी से रिएक्शन क्यों होता है। ये देखें, मेरे दोनों हाथ जले पड़े हैं इस टाइम। मेहंदी से रिएक्शन इसलिए होता है कि अगर आप लोग मेहंदी लगाने से पहले, मतलब जिस दिन आपने उन लोगों ने मेहंदी लगानी हो ना, उसी दिन आप लोग ब्लीच कर लें, या फिर उसी दिन आप लोग जो है ना वैक्स कर लें, या लोशन लगा लें, मतलब हेयर मूविंग क्रीम या कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना वो यूज़ कर लें, और उसी दिन आप लोग जो है ना मेहंदी लगा लें, उससे आपके हाथों का ये हशर होने वाला है जो मेरे हाथों का हुआ है। तो ये देखें, पूरा डिज़ाइन ही मेहंदी का ना मेरे हाथों पे उसी तरह छप चुका है। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये देखें। तो ये डिज़ाइन जो है ना मेरे हाथों पे अब छप चुका है। अब ये अल्लाह जाने कब ये ख़त्म होगा। और जिस दिन मैंने मेहंदी लगाई, जब आप मेहंदी लगाए ना उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथों पर रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि आपके हाथ पर फुल टाइम जलन होने लग जाती है। वैसे मेरे हाथों पर तो है ना वो सर्दियों की वजह से रिएक्शन होता है, कि सर्दियों में मैं मेहंदी लगा लूँ ना तो मेरे हाथों का यही हशर होने वाला होता है। तो मैंने एक दफ़ा पहले भी मेहंदी लगाई थी अपने ब्रदर की शादी पे, तो तब भी मेरे हाथ के साथ यही हुआ था। और अब मैंने अब शादी पे मेहंदी लगाई है, तो अभी भी मेरे हाथों के साथ यही हुआ है। और इस कदर मेरे हाथों पे जलन हो रही थी ना जिसे मैंने ये मेहंदी लगाई थी, और पूरी रात मेरी ऐसी गुजरी जलन के साथ। मैंने बहुत कुछ इसके ऊपर अप्लाई किया। तो अगर आप लोगों के हाथों पर भी ये वाला रिएक्शन हुआ है मेहंदी के साथ, तो आप सिंपल बेबी ऑयल लगाएं। तो वैसे मैंने बेबी ऑयल लगाया था, और बेबी ऑयल से भी फ़र्क पड़ता है। बेबी ऑयल लगाने के बाद मेरे हाथ मतलब अभी ऑयली ऑयली थे, उसके ऊपर मैंने फ़ौरन वैसलीन लगा ली थी, तो मेरे हाथ जो ना वो ऐसे ही जल चुके हैं। तो अब ये जो डिज़ाइन है ये तो पता नहीं कब ख़त्म होगा, लेकिन ये है कि जलन वगैरह तो ख़त्म हो गई। ये मेरा मांस जो है ना वो फुल मेहंदी के साथ जो है ना, ये देखिए मांस जो ना वो स्किन जो है ना वो मेरी मेहंदी के साथ, जैसे मेहंदी उतरती है ना उसी तरह स्किन भी उतर गई है। तो आप लोग एहतियात करें मेहंदी लगाने से पहले, कोई ऐसा बेटा उल्टा पुल्टा काम ना करें जिसकी वजह से आपको ना सारी ज़िंदगी के लिए आपके ये निशान जो है ना मेहंदी के छप जाएँ। तो मुझे तो खैर कोई नहीं, मसला नहीं है कि मेरे मेहंदी से ये मतलब स्किन भी उतरी है, लेकिन जो जलन होती है ना वो उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बहुत शिद्दत की जलन होती है। आप लोग के हाथों में पानी लग जाए, कोई चीज़ लग जाए ना, और आप तो बिल्कुल ऐसे चीखे निकलने वाला हाल हो जाता है। और मेरा भी इसी तरह ही हाल हुआ था। मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में भी बताया था कि मेरे हाथ जो है ना वो मेहंदी से मेरी रिएक्शन हुआ है, और जले हैं हाथ। तो शायद कई लोगों ने यकीन ना किया हो, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये रिएक्शन जो हुआ ना, मैं करीब से भी करके दिखा दूँगी आप लोगों को। तो इस कदर जो है ना मेरे हाथ जो है ना वो जले, और उसी दिन मैंने शाजर को बिठाया, मतलब पानी लगाया, जब भी हाथ को पानी लगे और मेरे हाथ तो ऐसे जलन महसूस हो ना, तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लग रहा था मेरे, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं लग रहा था पानी वगैरह ना हाथों को। तो बस बहुत ही बुरा था वो दिन। ये था कि एक दिन के लिए मेरा दिन बहुत, एक जो है ना मेरी रात बहुत मुश्किल से गुजरी। तो बस अब अल्लाह करके ये जलन वगैरह तो ठीक हुई है, लेकिन ये बाकी जो है ना रिएक्शन वो अब हाथों पे रह गया। बाकी मेरे बाजू बिल्कुल ठीक है, बाकी मेरे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये इतने हाथों पे जहाँ पे ये डाग डाग मेहंदी लग रही है ना आपको, इस हाथ पे भी और इस हाथ पे भी जहाँ पे ये डाग डाग है, तो वो वहाँ से ही मेरी मेहंदी और मेहंदी के साथ साथ ना स्किन उतर रही है। तो आप लोग एहतियात करें मेहंदी लगाने से पहले और अपने हाथों को बचाएं। ये देख सकते हैं आप मेरे हाथों पे जो मेहंदी का डिज़ाइन जो छपा हुआ है, स्किन देखें बिल्कुल भी मेहंदी के साथ जो ना उतरी हुई है, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है स्किन मेरी जो मेहंदी के साथ उतरी हुई है। ये दूसरे हाथ की भी आप देख सकते हैं। तो आप लोग एहतियात करें, ये नहीं कि मेहंदी नहीं लगाएं, लेकिन जिस दिन मेहंदी लगानी हो उस दिन वैक्स वगैरह से एहतियात करें। अब आप लोग एहतियात करें मेहंदी लगाने से, और मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नए आने जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे बताइएगा। और मेरे बाकी व्लॉग जो है ना वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी शादी के व्लॉग जो है ना वो अपलोड करने वाली हूँ, और जो बर्थडे व्लॉग है काफ़ी कुछ मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो सारे मैं जब जल्दी से करके एडिटिंग में, और वो मैं फटाफट से व्लॉग डालूंगी। तो आप लोग मेरे साथ मेरे व्लॉग्स और मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो से फ़ौरन
आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए फ़ौरन, आप लोग मेरी जो है ना वीडियो देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।